पहली बार खुशी खुशी ब्लॉग में आया हूँ। आफ्टर होली ये देखो बेचारों को कितनी क्लीनिंग करनी पड़ी है, पहले लीजिएगा कितनी खचाखच भरी हुई थी। और आज देखो बाहर मतलब जो रोड है ना वो इतनी सुनसान है कि वो मुझे कोविड के लॉकडाउन की याद दिला रही है। लॉकडाउन के टाइम ऐसी रोड हुआ करती थी जो। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से होली खेलो, बहुत जमकर होली खेलो और किसी को हार्म मत करो, स्पेशली एनिमल्स को हार्म मत करना और खूब जम के होली खेलना। तो हमारी होली भी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने घर का सारा काम कर लिया, बस अब थोड़ा सा हम कुछ खाते पीते हैं और अब सोच रहे हैं नीचे जाते हैं होली खेलने के लिए। एक बार देखकर आते हैं नीचे का अरेंजमेंट, लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं कैसा क्या है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो चलते हैं। मैंने बनाया है दही बड़ी, आज का स्पेशल खाना ये है, छोले की सब्जी, दही बड़ी, पूड़ी, पापड़ प्लस दाल और चावल भी मैंने बनाया है जो रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम खाना खा रहे हैं और हम अपने घर में बातें भी कर रहे हैं दीदी और भैया से, और ये दही बड़े बहुत टेस्टी बने थे तो मैंने सोचा आप लोगों को भी टेस्ट करा ही सकती हूँ। तो अब खाने के बाद बारी आती है मीठा खाने की, तो मैंने लड्डू बनाए थे जो कि बहुत टेस्टी बने। मैं अपने मुँह में मीठू नहीं बन रही हूँ और मैंने इतने छोटे छोटे शेप बनाए थे ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट लवर हूँ, मैं इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी वरना, जो कि मेरी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। और ये है बाहर का नज़ारा, ऐसा लग नहीं रहा कि आज कोई फेस्टिवल है, इतना ठंडा ठंडा, जबकि अभी 11:30 या 12 बज रहे थे, पर बहुत ठंडा माहौल था। आजकल शायद लोग प्राइवेट होली खेलते हैं। पिचकार में पानी भरा जा रहा है, तुम नहीं भरवा रही हो, कहाँ गई, उनको पानी नहीं। नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है होली खेलने के लिए, और इन दोनों का पोज देखो, एनी का और लाडो का, अपने अपनी पिचकारी के साथ पोज मार रहे हैं। और फिर मैंने सबको बोला चलो कि हम सेल्फी ले लेते हैं यार, हमारी फोटो कौन लेगा, वरना चारों की। एक तो निशान बोलते कि नीचे लेंगे, बोले नहीं यार एक घर से लेते हुए चलते हैं। हम जा रहे हैं नीचे होली खेलने के लिए, और ये बच्चे लोग भी रेडी है, और वो लाडो रेडी है, और ये भी रेडी है। पहली बार खुशी खुशी ब्लॉग में आया। जैसे ही हम लिफ्ट से उतरे, हमारा टावर का फ्लोर पूरा गंदा था, पानी, कलर्स। तो होली की बस यही बात है, लोग इंजॉय तो बहुत करते पर गंदगी भी बहुत होती है यार। और कल इसी जगह होली का दहन हुआ था, ये देखो पूरी आग बुझ चुकी है। अरे भाई, इतनी भीड़ थी ना कि कोई हिलने को भी तैयार नहीं था, पर ऐसा था कि पब्लिक आ रही थी जा रही थी और भीड़ कम नहीं हो रही थी। बाकी इंजॉय मतलब खड़े खड़े भी भरपूर इंजॉय कर सकते थे अगर आपको पानी में नहीं जाना है तो, इतना ज़्यादा मज़ा है और इतना ज़्यादा हमने इंजॉय किया। कापरे हैं सारे लोग, मैं तो पूरी गीली हूँ अभी, तो मैं खा रही हूँ, ये भी पूरा गीला है, पहले जाके गीजर ऑन करके भाई जल्दी से जा। तो हम नीचे से होली खेलकर आ चुके हैं और हल्ला हो रहा होगा क्योंकि सब नहाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, और खूब मजा आया। और सबसे अच्छी बात, मैं इतनी बेफिक्र होकर होली इसलिए खेल पाई क्योंकि मैं यहाँ सबको खाना खिला कर गई थी, खाना बना कर गई थी, सब कुछ कर गई थी, तो मुझे आके कोई टेंशन नहीं है। बस हमें नहाना धोना है, क्लीनिंग करनी है अपनी बॉडी की, बाकी घर तो क्लीन है ही, और चाय पीना है और फिर सो जाना है भाई। बस ठंडाई या भांग और मिल जाती ना तो मजा ही आ जाता, काफी तारे जो लोग और कर लेते हैं। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा थी, लास्ट ईयर से भी ज्यादा।
तो लाडो सो रही है और एनी का बेबी फीवर नहीं उतरा है, इसको अभी भी बलून फोड़ना है, गधे को घर गंदा करना है। घर गंदा क्यों नहीं है बोल रहा है मेरे से अभी। अब मैं इस गधे को क्या समझाऊं कि घर में होली नहीं खेली जाती, बाहर खेली जाती है। और बाहर मतलब जो रोड है ना वो इतनी सुनसान है कि वो मुझे कोविड के लॉकडाउन की याद दिला रही है। लॉकडाउन के टाइम ऐसी रोड हुआ करती थी जो अभी होली में है। मतलब यार मतलब लोगों में इतना उत्साह नहीं है क्या है, या सब अपना पर्सनली आजकल इंजॉय करते हैं, ये भी हो सकता है कि होली में। तो एक बार आपको बाहर का यार सीन दिखा, गाने की आवाज तो आ रही है वहां, एक छत में लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर लोग खेल रहे हैं, ऐसा लगता है मैंने पर्सनली खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सोसाइटी की हालत तो बहुत ख़राब है, हर जगह गुलाली गुलाली। और अब मैं वो काम करूँगी जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। अब मैं चाय पीऊँगी और इसको पीते जो एनर्जी आती है ना, ओ माय गॉड, फिर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो जो टी लवर है भाई वो लाइक कर दो इसी बात पे। असम को देखो क्या हाल हो गया है, पूरे बादल है ऊपर और एकदम बदली हो गई है अचानक से। मैंने बच्चों के ठंड के कपड़े हैं जो मैंने निकाले, क्या मैं इसको अंदर रख देती हूँ और गर्मी के कपड़े जमा देती हूँ। मैंने हम लोग के तो सारे कपड़े अभी अंदर रख दिए थे मेरे और निशांत के, पर बच्चों के नहीं रखे थे कि इनके हिसाब से तो थोड़ा ठंडा है मौसम। सब भर दिए हैं और यहाँ सब जमा दिए गर्मी के कपड़े, ये सारे सब जम गए हैं। और कुछ रिजेक्ट करने थे वो रिजेक्ट भी कर दिए हैं, जब मैंने और जमा लिया है। ये सारे छोटे कपड़े हैं जो मैं किसी को दे दूंगी इस छोटा बेबी के। बहुत टाइम से साड़ी मेरी यहाँ निकली हुई थी, सोच रही मैं इसको रख देती हूँ। तो मेरा साड़ी का कवर जो पूरा फट गया, मैंने अभी ऊपर चढ़ के देखा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर मैंने नया कवर निकाला है अभी, ये मेरे पास होपफुली था तो मैं इसमें साड़ी रख देती हूँ। ये देखो ये पूरा फट चुका है, दिखा रहा है नहीं? दिखा। कवर में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी चैन ही निकल गई है। और इन सब में शायद यही प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो चैन है वो निकल जाती है। इस वाले की चेन ही बस खराब है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ठीक करवा लूंगी क्योंकि इससे मजबूत है ये, बस इसकी चेन खराब हुई है, बाकी मजबूत बहुत है। ओ नो, इतने ऊपर चढ़ी है स्टूल में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सोने वाले हैं क्योंकि अब कितना बज गया, 11 बज गया होगा, 11 साढ़े 11 बज गया होगा। अच्छा, तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, होली स्पेशल व्लॉग, तो मुझे जरूर बताना। जितना मैं आपको इस व्लॉग में दिखा सकती थी, जितना मैंने शूट किया था मैंने दिखाया, क्योंकि मैं पानी वगैरह इतना फेंक रहे थे ना कि फोन को थोड़ा कवर करके रखना पड़ रहा था, तो मैं बार बार वो फोन निकाल कर व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो जैसा था वैसा मैंने आपको दिखाया। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी और आपके लिए आने वाला पूरा जो साल है या पूरे दिन है सब बहुत अच्छे रहे, सब बहुत अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आज का ये व्लॉग एंड यहीं पर एंड करती हूँ। तो हैप्पी होली वंस अगेन, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया की डायरी। बाय बाय, जय जिनेंद। ऐसे धीरे धीरे आओ, हाँ वहाँ से आओ, वहीं से आओ, वहीं से आओ। आते जाओ, आते जाओ, जंप, तुम जंप मत करो, तुम चल कर आओ। और ये देखो होली के साइड इफेक्ट आफ्टर होली, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, लोगों ने इंजॉय तो बहुत कर लिया, अब इनकी हालत ख़राब हो रही है क्लीनिंग करने में, तो पूरा क्लीन हो रहा है। और आप यकीन करोगे कि हमने यहाँ होली खेली थी कल, यहाँ कितनी भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और आज देखो स्विमिंग पूल देखो, उसका पानी निकल गया है, वो सिर्फ कचरा कचरा है, तो कचरे के साथ थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, बाकी पूरा क्लीनिंग कर रहे हैं यार, खूब मेहनत कर रहे हैं बेचारे। तो मैंने सोचा मैं नीचे उतरूँ तो आपको ये भी दिखाई देती हूँ।